नमस्ते दोस्तों, स्टूडेंट व्यू में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी रैंक 3 आई है इनकी। इनका नाम है उमा हराथी एन, ठीक है। इनका एससी की चर्चा करेंगे। इन्हें फर्स्ट एससी इसमें 163 मिले हैं 125 में से, और सेकंड ऐसे जो इन्होंने लिखा था वो भी 125 नंबर का होता है, और इनको 53 नंबर मिले। ये जीएस स्कोर में इन्होंने प्रैक्टिस के लिए कॉपी लिखी थी, और मॉक टेस्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पर इनके ये सिग्नेचर हैं और ये उमा जी की कॉपी है। अब हम चर्चा करें भाई ये ऐसे का लक्ष्य क्या है। ये ऐसे था, फर्स्ट ऐसे इन्होंने लिखा था। जैसे चार ऐसे होता है, ये चार चार पार्ट में दिया जाता है। ये चार दिए जाते हैं फर्स्ट सेक्शन में, और दूसरे में भी चार दिए जाते हैं। इनमें से एक करना होता है, इसमें से एक करना होता है। ये दोनों मिलके ये होता है 125 नंबर, 125 और दोनों मिलके 250 नंबर के हो जाते हैं। और अमूमन ऐसे में अगर 140 नंबर आ जाए तो टॉपर अच्छा माना जाएगा कि हाँ 140 आ गए, और एवरेज 120 से 140 के मध्य रहते हैं। इससे नीचे आए तो ठीक बैड होता है, और इससे अगर ऊपर निकलते हैं तो मतलब माना जाता है कि ऐसे ने बहुत ही लाभ दिया है। तो हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। इनका ऐसे था, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स इज एन अनरियबल रियबल गोल्स, मतलब मूल्य आधारित राजनीति एक अवास्तविक लक्ष्य है, ठीक है ना। ये आप चर्चा करें, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इनकी बारे में डिटेल है। जैसे ये उमा हराथी एन इनका नाम है, इनकी एज 28 है, ये इनके रोल नंबर है। इनके पाँचवा अटैम्प्ट था, एंथ्रोपोलॉजी इनका सब्जेक्ट था, तेलंगाना राज्य से ये थी, ठीक। और ये थर्ड रैंक आई है उमा, फर्स्ट रैंक इशिता किशोर की है, गरिमा है सेकंड रैंक लोहिया, और ये थर्ड रैंक थी। इनके अगर नंबर की बात करें उमा आराती की, तो 873 आए थे, ठीक है। 1750 नंबर का मेंस होता है, तो मेंस में जो रिटर्न उन्होंने लिखा उसमें से 873 आए थे। फर्स्ट रैंक इशिता किशोर को 901 नंबर थे, और सेकंड रैंक है गरिमा लोहिया को 876 थे। तो सेकंड और इनमें कोई मेंस रिटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दो चार नंबर का फर्क आप देख रहे हैं 3 नंबर का। अब बात करें इंटरव्यू की, इंटरव्यू में सबसे अच्छे नंबर लाने वालों की तो आगे रैंकिंग सुधर जाती। जैसे फर्स्ट रैंकर को 193 नंबर आए थे, और इनको 187 नंबर आए थे, सेकंड रैंकर को भी 187 नंबर थे। टोटल नंबर की बात करें, टोटल नंबर आते 2025 में से 1094 नंबर आए थे इशिता को, और इनको नंबर थे 1060। तो इनका लमसम 34 नंबर का गैप है। लेकिन अगर कॉपी के मामले में देखा जाएगा, इनकी राइटिंग देखी जाएगी, तो इशिता से उमा ने बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस किया है। अब हम बात करें कि ये यूपीएससी में रहता क्या सिलेबस है, तो ऐसे रहेगा 250 नंबर का, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर होता है, उसमें हिस्ट्री आती है, आर्ट कल्चर है, ज्योग्राफी वर्ल्ड और भारत की रहती है, और सोसाइटी रहती है, वो 250 नंबर का रहता है। सेकंड पेपर है जीएस सेकंड है, वो उसमें गवर्नेंस रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, पॉलिसी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये 250 नंबर का रहता है, ठीक है। थर्ड पेपर होता है जीएस में, जैसे टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटीज है, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये भी 250 का पेपर होता है। और फोर्थ पेपर होते हैं मुख्यतः जीएस के चार पेपर, जिसमें इथिक्स होती है, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है, ये 250 नंबर के थे। ये 1000 में से मुख्यतः जो 400 नंबर अगर ले आता है, 250 में से 100 नंबर, तो बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसे अभी टॉपर है तो इनको मान के चला जाता है 450-470 तक भी ये पहुंच सकते हैं। अब ऐसे 250 नंबर का होता है, इसमें ये माना जाता है अगर 120 और 140 के मध्य है, मतलब ठीक नंबर है, इससे कम है तो मतलब इतना ठीक भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन इससे ज़्यादा है तो भी वो टॉपर की श्रेणी फिर रहेगा। अब बात की जाए, जैसे ये पेपर तो टोटल हो गया 1250 का, 500 नंबर के दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के, फर्स्ट एंड सेकेंड। इनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, ठीक है ना। तो वो 500 में से अगर आपके 300 नंबर, पहले जब आप देखते थे 2017 से 2022 के या 2021 तक 300 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, और ले भी आते थे टॉपर नंबर, लेकिन आजकल ऑप्शनल में इन्होंने नंबर कम कर दिया। अब अगर 270 नंबर भी आते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार कुल 1750 नंबर का ये होता है। 1750 में से ये मान चलो 140 ऐसे आप ले आते हो, 450 ले आते हो जीएस में ले आते हो, और 300 नंबर करीब अगर ऑप्शनल ले लाते हो, तो 300 और 450, 750, 750 और 140 तकरीबन अगर 890-900 नंबर अगर आप ले आते हो तो बहुत बेहतरीन होता है। 900 के बाद में आपके अगर 160 नंबर 180 नंबर एंट्री मिले तो 1080, और यही आप देख रहे हो इनके भी 1080 करीब नंबर मिले हुए हैं। अब बात करें पर्सनली टेस्ट की, तो ये 275 नंबर का होता है। इस प्रकार यूपीएससी टोटल 2050 में 25 नंबर का होता है, उसमें से आपको कितने नंबर आते हैं ये आप अभी मैंने आपको बता दिया कि इनमें कितने नंबर आए हुए हैं। जैसे ये 1094 नंबर दो आए इशिता किशोर के, और 1060 नंबर आए हैं ये 1060 उमा के।
अब हम उमा की जो ऐसे की बात करें तो हम ऐसे जो अभी देख रहे थे वो देख लेते हैं। वो ऐसे था मूल्य आधारित राजनीति के अवास्तविक लक्ष्य हैं। तो मूल्य आधारित राजनीति में क्या होता है, तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसको खोल के रख देना चाहिए, भाई क्या है क्या नहीं। इसके लिए अगर आपको कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है या कोई इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है या सरकार की कोई योजना है या गरीबी है, बेरोजगारी, वंचित तबका, इनसे इनको जोड़ के मूल्य कहाँ कहाँ काम आते हैं, या कोई जो आदर्श स्टेटमेंट दिए महात्मा गांधी के हैं या वैश्विक स्तर पर जो मंडेला की स्टेटमेंट है, उस प्रकार ये मूल्य आधारित देख सकते हैं हम। अब इनमें देखिए कॉपी चेकिंग की हुई तो आप देख सकते हैं भाई इनमें जो जो आपको यहाँ दिक्कत आ रही थी इनको जो ऐड करना था, ये कॉपी यही होती प्रैक्टिस करने की, पहले से आपको बता देते कि यहाँ आपकी कमियाँ हैं सुधारें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अंडरलाइन करना है, जो भी चीज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है तो उसको आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस, अब जैसे ये मैं आपको संक्षिप्त करके दिखाऊं, एक पेज है ना, जैसे ये पेज है तो एक पेज में मुख्यतः दो पैराग्राफ तो एटलीस्ट कम से कम दो पैराग्राफ तो आपके रहने ही चाहिए, जैसे दो पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। और मुख्य जो पॉइंट होता है उनको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड चीज़ है जैसे अभी ये पैराग्राफ, इसमें मुख्य मैंने बोला दो तो कम से कम होने चाहिए लेकिन तीन मैक्सिमम तीन तक रख सकते। तो ये जो आदर्श स्थिति, ये जो पैराग्राफ बनाने की इनकी जो है ना, ये आदर्श मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, ये आप यहाँ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इनमें जैसे देखा अंडरलाइन का यहाँ नहीं हो पाया, तो यही है टाइम मैनेजमेंट होता है, आप प्रॉपर अंडरलाइन कीजिए, ठीक है ना, प्रॉपर एकदम टू द पॉइंट चलने दीजिए, नंबर आराम से और बहुत अच्छे तरह से आ सकते हैं। ये देखिए ये आंसर का प्रॉपर पैटर्न है, जैसे तीन पैराग्राफ यहाँ भी आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ जो कमियाँ थी इन्होंने दिखा दी, ये ऐसे हैं, ऐसे मोटिव दर मैं आपको पढ़ा तो आप दिखा नहीं सकता हूँ, बस अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सुंदर है, तो वहाँ जाके आपको ये कॉपी भी वहाँ पर मिल जाएगी, अगर चाहिए तो आप वहाँ पर ले सकते हो। इस प्रकार ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से कैसे मेन मुख्य टाइम के अंदर अंडरलाइन करते हुए बिल्कुल प्रॉपर आंकड़ों के साथ, उदाहरणों के साथ, ऐसे के साथ न्याय करने का प्रयास किया है। ये कॉपी है जो UPSC टॉपर, ये उमा की है, रैंक थर्ड है, जब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे की इनकी ये कॉपी है, फर्स्ट ऐसे है, ठीक है ना। अब मुख्यतः ये सेकंड ऐसे भी है, लेकिन इनको मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसे लिखो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लास्ट का जो पेज होता है ना उसमें जाके सबसे पहले रफ आप डायग्राम बना दोगे, आपको पॉइंट क्या क्या लिखने हैं। जैसे इन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ये देखो सारे के सारे जो मेजर रूल्स हैं, और करप्शन के बारे में, पोर्ट पुअर जो स्टेंटिंग्स वाली प्रॉब्लम चल रही थी, ये सारे के सारे एकदम जो टेक्निक संबंधी प्रॉब्लम है, महिलाओं से संबंधित है, वंचितों से संबंधित है, किस प्रकार से इस ऐसे में से किन किन की चीज़ों को ऐड करना, वो पहले रफ रूप से आप बना सकते हो। इसके लिए आपको जैसे ऐसे के अंदर आपको तीन घंटे मिलते हैं, तो एक ऐसे लिखने में आपको 1000 शब्द लिखने होते हैं, ठीक है ना, 1000 शब्द आप आराम से एक घंटे में लिख सकते हो, तो एक घंटे के अंदर दूसरा ऐसे भी 1000 शब्द एक घंटे में लिख सकते हो। तो ऐसे लिखने के लिए मुख्यतः आपको निबंध लिखने के लिए 2 से 2.25 घंटे बहुत मतलब प्राप्त होते हैं, इनफ होते हैं। अब पीछे बचा 45 मिनट है, 45 मिनट में या तो आप नवाचारी माइंड अपनाते हुए जैसे ये रफ वर्क किया हुआ है, रफ वर्क करके आप पहले से सोच लो इन दोनों ऐसे में लिखना क्या क्या, इससे क्या है कि आपको अंदर व्यू बहुत बढ़ जाएगा, अच्छे अच्छे पॉइंट आप यूज कर पाओगे। ये हम टॉपर से सीख सकते हैं, ये कॉपी आपके सामने है, ठीक है ना, कोई बनाए बनाई कॉपी नहीं है, ये टॉपर्स कॉपी है जो कि GS स्कोर के ऊपर डाली हुई है, जो हमने बढ़ाने की बताने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है स्टडी व्यू, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।